तो प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर करोगे प्रोडक्ट क्या 729 आ गई हमारी प्लस दैट मीन्स 9 × 3 × 27 गेट 729 एंड द सम ऑफ स्क्वेयर्स दैट मीन्स 9² + 3² + 27² क्या आ गया ओके तो इसका मतलब ये तो ठीक है अब भी वो भी चेक करते हैं ठीक है ना बात अच्छा मैथमेटिक्स प्रोग्रेशन है तो ये भी चेक करो 3 × 9 = 1/3 × 27 × 9 = 3 तो 9 आ गया दैट मींस इट इज नॉट ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ओके तो इसका मतलब नेक्स्ट प्रोग्राम भी क्या देता है सी है अच्छा अगर ऑप्शन से चलते हैं तो सी आ गए अब सॉल्यूशन कर लेते हैं ठीक है ना बात क्लियर My options we get C. Okay, दोनों conditions को satisfy कर रहा है and also a geometric progression. अब देखते हैं by condition. The product of three numbers in geometric progression. भाई अगर geometric progression की हमें three terms लेनी है तो क्या लेते हैं A by R, A और A by R. अगर product करेंगे तो A की value मिलेगी तुम्हें वहां से ठीक है बात तो A by R, A और A R. Product of three numbers is equal to 729. तो R से तो R कैंसिल हो गया आपका ओके क्लियर तो दैट मीन्स A क्यूब इज इक्वल टू 729. A क्यूब इज इक्वल टू 9^3 क्लियर तो A कितना आ गया भैया आपका 9. ओके क्लियर A तो मिल गया है नेक्स्ट कंडीशन क्या कहता है द सम ऑफ स्क्वेयर्स तो दैट मीन्स सम ऑफ स्क्वेयर्स के लिए डायरेक्ट लिख लूंगा यहाँ पे 9 बाय में आप स्क्वेयर प्लस 9 स्क्वेयर प्लस 9 आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 819 तो हमें क्या मिलेगी भाई यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक है ना बात तो कितना आ गया 81 बाय में आर स्क्वेयर 81 आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 819 ओके क्लियर है तो भाई 81 + 81 आर एस टू आर 4 भाई सब्ट्रैक्ट कर लो इसे बताओ कितना आ गया उस साइड ये उस साइड भेज दिया मैंने बाय पे आर स्क्वेयर है ना आपका ये और ये टर्म सोल्व किए ठीक है 819 - 81 इज इक्वल टू कितना आ गया भाई मैंने पहले ही कहा था कैलकुलेटर होना चाहिए तुम्हारे पास 738 ओके तो 81 + 81 आर इज टू पावर 4 इज इक्वल टू 738 आर स्क्वेयर क्लियर नहीं यहां तक की तो एक साइड ले जाते हैं भाई 81 आर इज टू पावर 4 माइनस 738 आर स्क्वेयर प्लस 81 इज इक्वल टू 0 क्लियर है यहां तक की तो कंडीशन क्या सभी में से 9 कॉमन आ सकता है भाई ठीक है तो मैंने 9 कॉमन निकाल लिया यहां से तो 9 आर एस टू पावर 4 ओके माइनस में 82 आर स्क्वेयर ओके प्लस 9 इज इक्वल टू 0 ओके अब मल्टीप्लीकेशन तो आपकी कितनी आनी चाहिए 81 अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे आर एस टू पावर 4 में है ठीक है ना बात तो इसके लिए इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म भी बना सकते हैं आर स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई मान सकते हैं भाई हम यहाँ पे ठीक है ना बात आर स्क्वेयर वाई है तो आर रेज टू आर 4 कितना हो जाएगा भाई वाई स्क्वेयर ठीक है ना बात तो भाई कितना आ गया 9 y² - 82 y + 9 = 0 तो फैक्टराइजेशन फॉर्म होता है करके 9 y² - 81 y - + 9 = 0 तो 9 y को मैं निकाला तो y - 9 = 0 we get y = 1/9 and y = 9 ओके तो दो रूट्स थे आपके r स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/9 ठीक है ना बात r को स्क्वेयर कह लेते हैं यहाँ पे एंड सेकंड वन इज r2 स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 ओके तो r1 स्क्वेयर था ना हमारे पास यहाँ पे r1 के दो रूट्स मिल रहे हैं आपको यहाँ से कितने 1/+-1/3 एंड r2 के +-3 क्लियर है भाई
अब अगर हमारे पास ए तो कॉमन है आपका, पहले मैं लेता हूं इफ आर इज इक्वल टू थ्री, ठीक है ना बात, एंड ए कितना है आपका नाइन, वही ट्रम्स कौन सी थी हमारी, ये थी, तो इसका मतलब नाइन बाय थ्री, ओके सेकंड ट्रम क्या है आपकी नाइन, एंड थ्री इंटू नाइन, तो थ्री नाइन 27. एक कंडीशन ये भी होगी आपको, इफ आर इज इक्वल टू माइनस थ्री लेते हैं एंड ए तो आपका कॉमन है भाई नाइन ही है, तो सेकंड फॉर्म क्या आती है आपकी ए बाय आर, ठीक है ना बात, ए कितना है यहां से हमने क्या लिया नाइन बाय में माइनस थ्री, ओके ए माइनस इट इज रहेगा तुम्हारा एंड ए इंटू माइनस 27 यहाँ पे भी माइनस थ्री, ठीक है ना बात, क्लियर है यहाँ तक की बात, इफ आर इज इक्वल टू वन बाई थ्री है एंड ए कितना है आपका नाइन, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म कितनी आ गई आपकी 27, फर्स्ट टर्म कितनी आ गई भाई 27, यस सर, क्लियर है, सेकंड तो कितनी आपकी नाइन और थर्ड टर्म कितनी आ गई मल्टीप्लाई करेंगे थ्री, ओके 9 बाय 27 कितना हो गया 1 बाय 3 बाय 3 बाय 9 ये भी हो सकता है, इफ आर इज इक्वल टू कितना है माइनस 1 बाय 3 एंड ए कितना है भाई 9, अगर माइनस है तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव एंड दिस वन इज आल्सो नेगेटिव, ये भी ऑप्शन हो सकता था, ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता, लेकिन हमें ऑप्शन क्या दिया है यहाँ पे थ्री नाइन फर्स्ट ए ऑप्शन में क्या क्या दिया है 579, ठीक है बात नहीं यहाँ, क्या ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ए पी है पहली कंडीशन सेटिस्फाई, सेकंड देखते हैं सम 21 है वही ओके सेकंड भी कंडीशन सेटिस्फाई, इफ एड इन ऑल थ्री टर्म्स, अगर फर्स्ट में वन एड करता हूँ तो कितना आ गया भाई 6, ओके नेक्स्ट आ गया आपका 12 और नेक्स्ट आ गया आपका 24, ओके तो क्या भाई ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है टू टू, तो दैट मीन्स ए तो राइट है आपका, डी ऑप्शन पे आ जाते हैं नो पर्सन 9 5 7, क्या ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है 5 माइनस 9 तो कितना हो गया आपका माइनस 2 7 माइनस 5 प्लस 2, दैट मीन्स डी इज नॉट कॉमन, ओके डी यहाँ पे नॉट कॉमन, दैट मीन्स इट इज क्लियर, सी के आ जाते हैं भाई 7 5 9 क्लियर भाई, डिफरेंस कितना आ गया -2 -4 दैट मीन्स नॉट पॉसिबल, लेकिन अब नन ऑफ दिस देता है ना तो वहां पे हमें ढूंढ चुका है वैसे तो राइट नहीं, अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक भाई अगर मुझे 3 नंबर्स लेने हैं ठीक है तो क्या लूंगा, हाँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है आपको सम इज इक्वल ए माइनस डी ए और ए प्लस डी आएगा आएगा ए प्लस डी और ए प्लस टू डी आएगा, ऐसा इससे ये है कि डी कैंसिल हो जाएगा, सम ऑफ दैट नंबर इज ए प्लस डी इज इक्वल टू 21, डी से डी कैंसिल हो गया आपका, तो 3a इज इक्वल टू 21, a इज इक्वल टू 7, a कितना आ गया आपका 7, तो भाई हमारे पास नंबर्स क्या बन गए 7 माइनस डी 7 और 7 प्लस डी, इफ वी एड कितना कितना ऐड कर देते हैं भाई 1 ऐड किया तो भाई कितना हो गया 8 माइनस डी 7 तो एज इट इज रहेगा, लास्ट में कितना ऐड किया हमने 7 तो 22 नहीं भाई 5 ऐड करो 5 ऐड करो 12 ओके लास्ट में कितना 15 22 प्लस डी ओके
ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है आपका ये, तो इसका मतलब मिडल टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्स किंग्स। पता है हमें इस चीज का, ठीक है ना बात। अगर तीन नंबर इसमें है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, इफ ए बी सी आर एन जी पी, तो भाई हम क्या लिखते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, इज इट क्लियर। तो ए माइनस टी इंटू 22 प्लस डी इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर, क्लियर। यहां तक की बात करो, वही मल्टीप्लाई बताओ कितना आ गया, 176। क्या कर रहे हो तुम, 176 प्लस 80 माइनस 23 माइनस डी स्क्वायर, क्लियर था भाई। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है आपकी, तो क्या मिल गया, माइनस के डी स्क्वायर माइनस 14 176 माइनस 144, कैलकुलेटर से 32 प्लस 32 इज इक्वल टू 0। ओके, बी स्क्वायर प्लस 14d माइनस 32 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही फैक्टर बनाते हैं, 16 into 2 यही आएगा, इसका मतलब बी स्क्वायर प्लस 16d माइनस 2d माइनस 32 इक्वल टू 0। तो डी प्लस 16, तो डी गेट डी इक्वल टू 2 एंड डी इक्वल टू माइनस माइनस 16। नाउ द नंबर स्टार्ट, डी इज इक्वल टू 2 लेते हैं, ठीक है बात। ए कितना है, इफ ए इज इक्वल टू 7 है एंड डी इज इक्वल टू 2 है। ओके, पुट करते हैं यहाँ पे 7 माइनस 2 5 5। ओके, नेक्स्ट टर्म तो आपकी 7 है, 7 प्लस 2 9 इज इट क्लियर। अब नेगेटिव में दे रखा है आपको डी, तो वो भी सब्स्टिट्यूट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, शायद सेकंड ऑप्शन हो, इफ ए इज इक्वल टू 7 एंड डी इज इक्वल टू माइनस 16, ठीक है बात। तो 7 प्लस 16 हो गया ना भाई, यस सर, तो कितना आ गया 23। ओके, 7 माइनस 16 हो गया आपका, कितना आ गया माइनस 9। ओवर डिफरेंस देखो यहाँ पे भी सेम है, वही देखो आराम से माइनस 16 ही है, तो मेरी दिस हमें एक ही ऑप्शन दे रखा है ना भाई, 579 ये तो दिया नहीं है सर, क्लियर। चले तो भाई नेक्स्ट, इज इक्वल टू 5/9 एंड सम ऑफ इंफिनिटी, अभी फार्मूला लिखा था हमने, क्या था, a/r माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस आर नहीं आएगा, 1 माइनस आर, ठीक है बात, क्लियर। तो देखो यहां से ए को मन निकालते हैं तो 1 प्लस आर 5/3, क्लियर है बात। या तो ए में चेंज कर दो या फिर डिवाइड कर दो, दोनों कंडीशन सेम है आपके, दिस वन इज फर्स्ट दिस वन इज सेकंड। ओके, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड, ऐसा कर लेते हैं भैया, ठीक है। या फिर क्या करते हैं, ए की वैल्यू आपकी मर्जी है, यहां से निकालो, ए किसके इक्वल हो गया 3 × 1 माइनस आर, तो पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो कितना आ गया 3 × 1 माइनस आर 1 प्लस आर इज इक्वल टू 5/3। ओके, क्लियर है भाई, तो ये कितना हो गया 1 माइनस आर स्क्वायर इंटू 9 लिख लेते हैं भाई इज इक्वल टू 5, एक ही साइड रखो इसे वाई में लिखो, 1 माइनस आर स्क्वायर था माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5/9 माइनस 1, तो 4/9 बच गया आपका, माइनस के 4/9, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 2/3। ओके, ऑप्शन नंबर बी क्यू आर इन ए पी, तो वही क्या प्रॉपर्टी होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, अगर थ्री टर्म्स है तो फर्स्ट और लास्ट का सम इज इक्वल टू 2 times ऑफ मिडल टर्म। ओके, तो लिख सकता हूँ टू क्यू इज इक्वल टू पी प्लस आर, ओके, दैट मीन्स क्यू इज इक्वल टू पी प्लस आर वाई में, तो ऐसा भी लिख सकते हैं। तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की क्या प्रॉपर्टी होती है आपकी,
मिडल टर्म का स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एन, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। क्लियर है भाई यहाँ तक की तो बात? आगे होगी सभी को समझ में। देखो रिजल्ट किस चीज का देना है हमें, वाई को मैं रिप्लेस कर लेता हूँ एक्स जेड में, तो एक्स जेड रेशियो पावर 1/2 लिख सकते हैं भाई यहाँ पे, कोई दिक्कत किसी को? तो दैट मीन्स सेपरेट 1/2 जेड रेशियो पावर 1/2। क्लियर है? यहाँ पे अप्लाई करते हैं एक्स रेशियो पावर, इसी का रिजल्ट देना है ना भाई आपको, तो एक्स तो एज इट इज रखता हूँ क्यू माइनस आर। वाई को किसमें रिप्लेस कर दिया मैंने, वाई को एक्स जेड में रिप्लेस किया है ना भाई, तो एक्स रेस टू पावर कितना हो गया आर माइनस पी वाई टू इंटू जेड रेस टू पावर आर माइनस पी वाई टू। भाई वाई की जगह ये वैल्यू रिप्लेस कर दी मैंने, आगे हो गया ना बात समझ में, जेड रेस टू पावर पी माइनस पी। क्लियर? तो एक्स बेस इक्वल है तो भाई पावर्स एड कर सकते हैं आप। क्लियर है ना यहाँ तक की तो बात? पावर्स को एड कर लेते हैं यहाँ पे, जेड बेस इक्वल है तो पावर्स को एड कर लेते हैं, तो कितना आ गया एक्स रेज टू पावर क्यू माइनस टू क्यू माइनस टू आर। यस सर। ओके ये देखो क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी बाई टू जेड रेज टू पावर आर माइनस पी बाई टू प्लस पी माइनस टू। अब ठीक है तो वही कितना आ गया एक्स रेज टू पावर टू क्यू माइनस टू आर प्लस आर माइनस पी बाई टू जेड रेज टू पावर आर माइनस पी प्लस टू पी माइनस टू क्यू। सॉल्व इट, एक्स माइनस पी वाई बाई टू, एक्स रेज टू पावर कितना आ गया आपका माइनस आर माइनस पी। ओके एंड जेड रेज टू पावर आर माइनस प्लस पी माइनस टू। ओके तो दैट मीन्स पी प्लस आर इज इक्वल टू टू पी भी कह सकते हैं। ठीक है बात? तो यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं इस वैल्यू को, एक्स रेज टू पावर टू क्यू माइनस कॉमन है ना भाई, इट इज ऑल्सो टू क्यू, आर प्लस पी इज टू क्यू। ओके एंड जेड रेज टू पावर आर प्लस पी इज टू क्यू एक्स रेज टू पावर जीरो। ओके अभी भाई सर एक बार कोई बात नहीं आप